अब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हम सब ने सुना हुआ है कि यूनिटी के बड़े फ़ायदे होते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत होती है। अब वो कैसे बनाए उसके हवाले से हम बात करते हैं। अब यूनाइट का एक लफ्ज़ है, एक वर्ब है, मुतहद होना, कोई दो चीज़ों का एक हो जाना, उसे कहते हैं यूनाइट होना। ये एक वर्ब है और इसी से वो यूनाइटेड नेशंस बना है, जिसे अक्वाम मुतहदा कहते हैं। अक्वाम मुतहदा उसको इसलिए कहते हैं कि वो मुतहद कौमें हैं, मतलब सारी कंट्रीज़ मिल गई हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं और मिलके काम करती हैं दुनिया की बेहतरी के लिए, या जैसा कि उनका चार्टर में एटलीस्ट ये लिखा है, यूनाइटेड नेशंस, कि वो मुतहद हैं ऑन सर्टेन थिंग्स। ये एडजेक्टिव है, यूनाइटेड क्या है, एडजेक्टिव, और वो नेशन एक नाउन है, यानी कौमों का नाम है, और उसके साथ ये लगा तो ये बन गया यूनाइटेड नेशन। यानी कैसी नेशन, वो नेशन जो मुतहद हैं। अब इसको आप देखें, ऐसा लफ्ज़ इसी से बना है, यूनिटी बना है, इत्तेहाद उसको कहते हैं, मतलब यूनिटी और यूनाइटेड जो है वो एडजेक्टिव है, यूनिटी जो है एक नाउन है, मतलब एक इत्तेहाद के अमल का नाम है। इस तरह यूनियन है, वो भी इश्तराक, इत्तेहाद, इत्तेफाक का एक नाउन है, वो भी यूनाइट से बना है, यूनिटी भी यूनाइट से बना हुआ है। इसी से यूनियन टेरिटरी का लफ्ज़ बनता है, कि कंट्री के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, उसको कहते हैं। और यूनियन जो है मिलाप को भी कहते हैं और जोड़ को भी कहते हैं। और सैनिटरी फिटिंग्स के अंदर एक यूनियन, यूनियन एक चीज़ होती है जो दो पाइपों को जोड़ती है। इस तरह शादी जो है उसको भी यूनियन हम कहते हैं, क्योंकि वो दो लोगों को जोड़ती है। व्हाट इज़ मैरिज, इट इज़ द यूनियन ऑफ ए मैन एंड ए वुमन। अब इस तरह देखें, अब आप देखें कि किस तरह इनके अंदर कॉमन क्या है, यूनाइट से कितने नए लफ्ज़ आप बनाते हैं, उनमें से फिर कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है और कोई जो है वर्ब होता है, और इस तरह और बहुत सारे लफ्ज़ जो है आप बना सकते हैं,